कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो दोनों ही। आपको याद होगा बीजेपी की सरकार आने से पहले बाबा रामदेव बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ी चिंता में थे, जिसे लेकर रोजाना वो कांग्रेस सरकार में धरने पर बैठ जाया करते थे, यहाँ तक कि अमरर अनशन किया करते थे। लेकिन मोदी राज में जब उनसे बढ़ते पेट्रोल की कीमतों पर सवाल किया गया तो बाबा जी ने सिर्फ भड़के बल्कि बेहूदगी भरे उत्तर भी दिए। वहीं दूसरी तरफ अच्छे दिनों का एक और तोहफा देते हुए भाजपा सरकार ने टोल टैक्स बढ़ा दिया है, मतलब आम जनता को अब चारों तरफ से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, पतंजलि कंपनी के मालिक जो है तो बिजनेसमैन, लेकिन बताते हैं अपने आप को बाबा। अब वो महंगाई को लेकर एक सवाल पूछने पर ना सिर्फ भड़क गए बल्कि उन्होंने पत्रकारों को सीधे धमकी भी दे डाली। इसके बाद बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो आपको देखना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए। और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंड सी छोड़ी छोड़े भूखे मर रहे ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तू, तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी, थोड़ा सा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी? अरे भाई, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा, चुप हो जा। अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपने कश्मीर फाइल। इस वीडियो में बाबा रामदेव धमकी भरे अंदाज में पत्रकारों को डांटते हुए सुना रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक पत्रकार पूछता है कि आपने टीवी चैनलों पर कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, जिसमें तेल और सिलेंडर का दाम का भी जिक्र किया गया था। जिस पर पहले तो बाबा रामदेव मजाकिया अंदाज में पत्रकारों से पीछा छुड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही पत्रकार ने फिर से अपने सवाल को पूछा तो बिजनेसमैन बाबा रामदेव कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता, तुम कोई ठेकेदार हो क्या? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा रामदेव के सिद्धांत कितने खोखले हैं। जब कांग्रेस का राज था तो महंगाई को लेकर बाबा अनशन पर बैठ जाया करते थे, और अब जब महंगाई 7वें आसमान पर है तो भाजपा के नाम पर उन्हें सांप सूंघ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के अच्छे दिनों का एक और तोहफा देते हुए आज एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर करना महंगा कर दिया है। अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से पहली बार टोल वसूली शुरू हो जाएगी। तो दूसरी ओर NHAI अधिकारियों का कहना है कि वाहन चालकों पर यदि फास्ट ट्रैक में पैसे नहीं होंगे तो दुगना टोल वसूल कर ही वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम नेशनल हाईवे पर टैक्स की रकम बढ़ा दी जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल डीजल रसोई गैस व CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद में नजदीकन धरना दिया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों व मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ने वाली है और पढ़ भी रही। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।